दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज, मैं हूं आदित्य द्विवेदी। सुप्रीम कोर्ट ने जज बीएच लोया की मौत की संदिग्ध मौत की जांच की याचिका पर याचिका को नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अभी एक फैसला सुनाया, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो जजों के बयान हैं, जो इसमें जांच की गई है, वो सही है और उस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। इस मामले पे अपडेट देने के लिए हमारे साथ हैं रंगनाथ जी। रंगनाथ जी बताइए, इस पर क्या मामला है? सीबीआई की विशेष अदालत के जज बीएच लोया की दिसंबर 2014 में मृत्यु हुई थी। उस समय वो सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे। उस मामले में बहुत कई सारे हाई प्रोफाइल लोग अभियुक्त थे, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा होती है बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह की। इसके अलावा भी कई नेता थे, कई वरिष्ठ आईपीएस अफसर थे उसमें अभियुक्त, और बाद में अमित शाह मामले में सभी आरोपों से बरी हो गए थे। और उसके बाद नवंबर 2017 में एक रिपोर्ट आई, एक पत्रिका है द कारवा ने एक रिपोर्ट की, जिसमें उसने उनके परिवार से, उनकी बहन से, अन्य लोगों से बातचीत किया और उसके जो परिस्थितियां थी उनकी मृत्यु के, उनका एक ब्यौरा निकाला कि कैसे उनकी मृत्यु हुई, किस अस्पताल में, किस जगह पे उनका शव कैसे आया। उसके आसपास एक कहानी उन्होंने प्रकाशित किया, उसमें इस तरह का संदेह जताया गया, सवाल उठा गया उनकी मृत्यु के कारणों पे, क्योंकि इससे पहले जो आधिकारिक कारण है अभी तक, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक है, तो उससे पहले था कि उनकी मृत्यु जो है हृदय गति रुक जाने से हुई है। तो उस पत्रिका ने उस स्टोरी में इस पे संदेह बनता है, तो यही मामला था। उसके बाद दो याचिकाकर्ता, अलग अलग याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की, और उन्होंने मांग की कि ये मामला चूंकि संदिग्ध है और न्यायपालिका की जो सार्वभौमिकता है या उसके ऊपर एक सवाल उठता है, एक जज की मृत्यु के ऊपर अगर संदेह है तो उसकी जांच होनी चाहिए, तो उसकी एसआईटी जांच, एक विशेष जांच दल बना के उसकी जांच कराने की मांग दो याचिकाकर्ताओं ने की थी सुप्रीम कोर्ट में। और वो मामला भी कोर्ट के अंदर भी काफी विवादित रहा, कोर्ट के बाहर भी विवादित रहा, और उसकी खास वजह यह है कि बीजेपी नेता अमित शाह उसमें एक कभी उनका नाम आया था, तो इसलिए वो विवादित रहा है। आज कोर्ट ने अपने फैसले में, और उसके बीच के विवादों पर हम आगे बात करेंगे, तो आज कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों याचिकाएं जो पीआईएल थी उनको निरस्त किया है, और अदालत ने वो कहा है कि बीएच लोया की जो मौत थी वो प्राकृतिक थी। और इसके अलावा तल्ख टिप्पणी की है अदालत ने पीआईएल दायर करने वालों पे, उसके कहीं ना कहीं जो अभी तक जो मीडिया में रिपोर्ट आई है, क्योंकि अभी अदालत का फैसला किसी के पास नहीं है, ना हमने ही पढ़ा है, जो मीडिया में जो कोर्ट कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं जो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने जो टिप्पणियों के बारे में बताया है, उन टिप्पणियों के आधार पर ऐसा लग रहा है कि हाँ, अदालत ने इसके राजनीतिक माना है कि ये मामला राजनीतिक था, ये जो पीआईएल है ये राजनीतिक था। उसमें दो याचिकाकर्ताओं में एक याचिकाकर्ता कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, हालांकि बाद में उनके ऊपर पीएम मोदी ने उनकी सार्वजनिक रूप से तारीफ की थी, जब उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर लोकतंत्र कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठाया था कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हो रहा, तो पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी उन नेता की, तो उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा इस तरह का रहा है। हाँ, तो इसलिए मे भी इसलिए कोर्ट ने ये कहा हो। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसकी इस केस की सुनवाई, याचिका जो दायर की गई थी इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में तीन जजों की बेंच कर रही थी। जस्टिस मिश्रा ने पीआईएल पे सवाल उठाए हैं, तो वो पर्टिकुलरली इस केस के लिए हैं कि ये जनहित याचिका राजनीति से प्रेरित थी, या ओवरऑल पीआईएल पर उन्होंने कहा है कि इसका गलत इस्तेमाल आजकल हो रहा है जुडिशियरी में, अभी शुरुआती में क्या पता चल रहा है? अभी तो देखिए, फैसला जो है थोड़ा सा, चूंकि मुख्य न्यायाधीश जो है दीपक मिश्रा, देश के मुख्य न्यायाधीश, उनकी पीठ कर रही थी, और ऑब्वियस है कि जजों में जो पीठ होती है, तो जो उसकी अगुवाई कहा जाता है, जो लेड बाई जो सबसे वरिष्ठ जज होता है उनमें, तो जस्टिस दीपक मिश्रा थे उसमें। लेकिन ये फैसला जो है अदालत में पढ़ के, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पढ़कर सुनाया या बताया, और ये मार्च में इसकी सुनवाई पूरी हो गई थी, और करीब एक महीने बाद 16 या 17 मार्च को ये सुनवाई पूरी हुई थी, और उसके एक महीने बाद ये फैसला आया। तो फैसला आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनाया है, और फैसला किसी एक कोई भी पढ़े, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पीआईएल पे टिप्पणी की है, वो दुर्गामी, पूरा मामला ही एक दुर्गामी परिणाम वाला है, और पीआईएल पे जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके भी दुर्गामी परिणाम हो सकते हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट पीआईएल के दुरुपयोग पे कई बार फटकार लगा चुकी है लोगों को। हाँ, लेकिन इस तरह के मामलों में
इसको जिस तरह से अदालत ने फटकार लगाई है, इसकी लोग अलग अलग व्याख्याएं करेंगे। 2017 में द कारवा मैगजीन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसमें जस्टिस बीएच लोया की संदिग्ध मौत पर उसमें सवाल खड़े किए गए थे। उसमें जो पत्रकार जिसने स्टोरी पब्लिश की थी वो जस्टिस लोया की बहनों के पास गया था, उनके और रिश्तेदारों से उसने बात की थी। उसमें उसको ये पता चला था कि जस्टिस लोया को सुहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में 100 करोड़ रुपए की जस्टिस बी एस लोया को ऑफर की गई है, घूस ऑफर किया गया है। लेकिन उसके बाद जस्टिस बी एस लोया के बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ किया था कि इस मामले में उन्हें कोई संदेह नहीं है, उनके पिता की प्राकृतिक मौत ही हुई थी। तो ये दो विरोधाभासी एक ही परिवार से इस मामले पर बात करते हैं। देखिए, इस ये मामला जो है, अब ये कुछ अनसॉल्व मिस्ट्री जो होती हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला चूंकि कानूनी तौर पे और आधिकारिक तौर पे हम लोग भी मानेंगे, और वही आखिरी फैसला है, क्योंकि आपको कहीं रुकना होता है तो अब, और हमारा वही सर्वोच्च पीठ है न्याय के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही जाया जा सकता है, पुनर्विचार याचिका या इस तरह की चीजें जो होंगी, तो वो उसको स्वीकार हम लोग करेंगे। लेकिन जो कॉमन सेंस है, जो सामान्य जनमानस है, चूंकि जज लोया की मौत से जुड़े हुए एक खबर जो पहले आप बता रहे हैं, नवंबर 2017 में आई थी, वो एक खबर थी जिसमें परिवार के, उनके पिता, उनकी बहन और कुछ अन्य लोगों के बयान और उनके कुछ दोस्तों के बयान के हवाले से ये कहानी बुनी गई थी कि उनकी मृत्यु जो है संदिग्ध है। लेकिन उसके बाद उससे जुड़ी कई खबरें की, द कारवां ने की, नेशनल हेराल्ड ने की, खासतौर पे दो अखबारों ने, और बीच में जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर की, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो पोस्टमार्टम वो उसमें वो फंस रिपोर्ट पे विवाद हो गया, क्योंकि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी वो रिपोर्ट पे उसके एक दिन पहले की तारीख थी। तो कारवां ने लगातार स्टोरियां की हैं, उनकी स्टोरियों में जैसे जो सवाल उठाए गए थे, अब चूंकि माननीय न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया है तो ऑब्वियस है कि उनमें कोई आधार नहीं है। हाँ, लेकिन जो सवाल उठाए गए थे हम वो बताना चाहते हैं कि हाँ, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सवाल उठाए गए थे। अभी ताजा स्टोरी जो की है कारवा की, जो ताजा स्टोरी इस मामले पे आई थी, उसमें था कि जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम, एक डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा कि वो पोस्टमार्टम के दौरान अनाधिकारिक रूप से मौजूद था। वो पोस्टमार्टम चूंकि उस एक जिस कॉलेज में, जिस मेडिकल कॉलेज में, जिस अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ, तो वहां पे वो बहुत प्रभावशाली है, वो एक मंत्री का, महाराष्ट्र सरकार के बीजेपी मंत्री का रिश्तेदार है, और उसके ऊपर पहले भी पोस्टमार्टमों में बदलाव कराने या इस तरह कराने के आरोप लग चुके हैं, और उसका इस एक ऐसे ही किसी और अन्य मामले में उनका ट्रांसफर हुआ था उस जगह से, तो उनकी अब भूमिका आ रही कि उस दिन वो भी मौजूद थे, ऐसे आरोप लगे हैं। हालांकि इस पे अब उस मामले की अलग जांच होगी या क्या होगा नहीं पता, कि इनकी मौत की जांच भले हो न हो, लेकिन अगर कोई डॉक्टर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौजूद है और वो अनाधिकारिक रूप से मौजूद है, तो उस तरह के थे। फिर उसके बाद पुलिस एफआईआर के ऊपर सवाल उठे थे कि जो मूल प्रति है, कुछ मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि वो गायब है। उसके बाद एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में ये आया था कि जो जिस सारे नागपुर का जो एक खास सरकारी गेस्ट हाउस है, उसका जो रजिस्टर है, सारा मामला जो है, एक सबसे उसमें मुख्य भूमिका उसके रजिस्टर की है। उस रजिस्टर के आधार पे मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि बहुत सारे उसके एंट्रीज में जो है अनियमितता है या संदिग्ध प्रविष्टियां हैं। जैसे अभी ताजा रिपोर्ट जो आई थी कि खासी दिन की, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया कि खास समय में, वक्फे में बीजेपी नेता अमित शाह और एक अन्य हाई कोर्ट जज जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, और जो शायद उसमें सीबीआई के वकील या किसी अन्य, शायद सीबीआई वकील ही, एक ही समय लगभग उसी गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। तो इस तरह से लगातार, और जैसे एक रिपोर्ट में दावा, कारवां ने भी अपने पहले रिपोर्ट में दावा किया कि जज लोया के सिर के पीछे चोट लगी थी या उनके कपड़ों पे खून के निशान थे, और फिर कारवां ने एक रिपोर्ट एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट से, जो 22 सालों तक वो शायद एम्स में रहे थे, मतलब रिटायर्ड हैं वो बेसिकली, तो यानी लंबा अनुभव रखने वाले एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जज लोया के मौत से जुड़े हुए जो भी रिपोर्ट्स थी, पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट रही हो, उन सबको एनालाइज कराया था, उनका विश्लेषण कराया था, और उन्होंने उस विश्लेषण में कहा था कि ये जो देख दस्तावेज, चूंकि अभी मामला ही इतना पुराना है और मौके और परिस्थिति 3 साल बाद ये उभरा है, तो उनके पास भी वो दस्तावेज वही है जो कागज पे लिखा हुआ है, तो उसको देख के उन्होंने अनुमान जताया था कि नहीं, ये हृदय गति से
मौत का मामला नहीं लगता। तो ये मामला चूंकि इतना बिगड़ चुका है और इतना ज्यादा उसमें इतने कोण और दृष्टिकोण आ चुके हैं कि हमें नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यही होगा कि जांच नहीं होगी। हाँ, लेकिन सवाल खत्म हो जाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। पिछले 5 महीने में जज बीएच लोया की मौत के मामले में अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग तरीके की, जैसे सर ने बताया कि कोड और अलग अलग एंगल देखे गए उसमें, और अलग अलग रिपोर्ट आई कि, और कई ढेर सारे सवाल उसमें खड़े हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ गया है जिसके बाद से इसे स्पष्ट है कि अब इस मामले में आगे कोई जांच नहीं होगी और मीडिया भी हो सकता है इसको अब ठंडे बस्ते में डाल दे। मेरा एक अभी यहाँ सवाल यह है कि जो जस्टिस बीएच लोया की जांच की याचिका थी उस पर जो फैसला आया है उसमें कौन से फैक्टर रहे होंगे कि उसमें जो गवाही दे रहे हैं वो जज हैं, ये बड़ा फैक्टर हो सकता है, या जांच उसमें पुख्ता की गई और जांच में जो सबूत दिए गए हैं वो जस्टिस को लगे हों कि नहीं ये पुख्ता हैं तो इसकी अब आगे जाँच की जरूरत नहीं है, क्या फैक्टर हो सकता है? देखिए, जिस तरह का आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आया ना, तो वही सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से टिप्पणी आई है वो बहुत ही टची टाइप की है। तो अब तो उस टिप्पणी पर टिप्पणी करना भी खतरनाक है, क्योंकि अगर देश के सबसे प्रबुद्ध और सबसे ऊंची न्याय के पीठ पे बैठे हुए लोग टच मतलब जैसे कि आहत होंगे न्याय की मांग से, तो उसमें है। लेकिन हाँ, टिप्पणी मूल मुद्दा है, जैसे अदालत ने कहा है कि राजनीतिक कारणों से, लेकिन यहाँ साफ होना चाहिए। और सबसे बहुत पुराना लीगल मैक्सिम है, चूंकि जज लोग तो सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन एक लीगल मैक्सिम है पुराना कि हु विल जज द जजेस, कि जो लोग न्याय दे रहे हैं उनका न्याय कौन करेगा। तो ठीक है, वो अदालत जो भी कह रही है और उसका सम्मान और स्वीकार्य है। हाँ, लेकिन ये मामला सबसे पहले मीडिया ने उठाया, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इस मामले को जो बड़ा इस पे सवाल उठाया वो सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जजों ने उठाया। वो मीडिया में आए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केसों के आवंटन के मामले में वो संतुष्ट नहीं है, और उन्होंने साफ एक लंबा चौड़ा लेटर जारी किया मीडिया को, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के ऊपर उन्होंने की तरफ इशारा किया कि हम आपके कामकाज के तरीके से संतुष्ट नहीं है, और केसों के आवंटन का अधिकार किसको है इसको लेकर एक मतभेद जैसी चीज सामने आई। तो उस दौरान जब वो प्रेस से बात कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे चारों जज, तो उस दौरान एक पत्रकार ने पूछा कि क्या ये मामला जज लोया की मौत की जांच की केस के आवंटन से भी संबंधित है। तो एक जज ने, चारों में से एक जज ने, अच्छा चारों 5 में से 4 सीनियर मोस्ट जज हैं, यानी वो लगभग उसी स्थिति में है जिस स्थिति में जस्टिस दीपक मिश्रा हैं, वो सभी न्याय के पीठ पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। तो यानी इसको लेके न्यायपालिका के अंदर भी विवाद है, और मामला सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं है, इसको मीडिया ने रिपोर्ट किया, और मीडिया का काम ही है रिपोर्ट करना, मीडिया का काम है। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो जाहिर है कि वो 3 स्तंभ में एक न्यायपालिका है, तो अगर न्यायपालिका के ऊपर भी सवाल है, कार्यपालिका के ऊपर भी सवाल है, और विधायिका के ऊपर भी सवाल है, इससे तीनों लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक बड़े नेता का नाम था इससे जुड़ा हुआ, और मामला ही फर्जी मुठभेड़ का है, तो जिसमें आईपीएस अफसर और इस तरह के लोग शामिल थे, एक स्टेट के गृह मंत्री, दूसरे स्टेट के गृह मंत्री, दो स्टेट के गृह मंत्री इसमें शामिल थे, आरोपी थे। तो मामला है कि इसमें तीनों जुड़े हुए हैं, और जिसपे मीडिया ने एक चौथे स्तंभ, जिसको कहा ही जाता है कि अघोषित है, उसके पास कोई सरकारी मोहर तो नहीं लगी कि तुम चौथे स्तंभ हो। तो मूलतः ये स्टोरी कारवा ने जो है ब्रेक की, मीडिया ने ब्रेक किया, जिसका काम है सवाल उठाना, और हो सकता है मीडिया रिपोर्ट में आगे रिपोर्ट आए, तो ये सवाल ही सारे सुप्रीम कोर्ट ने उठाए, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने इसको उठाया, और जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ में ये मामला था, और 4 जजों के सवाल उठाने के बाद जस्टिस अरुण मिश्रा ने उस अपने को मामले से अलग कर लिया, और फिर वो मामला सीजीआई जो है मुख्य न्यायाधीश के पास आया, उनकी पीठ पे आया, पीठ में आया विचार के लिए। तो मामला न्यायपालिका के अंदर भी इसको लेके मतभेद है, और न्यायपालिका के अंदर भी इसको लेके सवाल उठ रहे हैं। जैसे हाल में ही एक मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस जे चेलेश्वरम ने कहा कि वो इस पे फैसला नहीं देंगे, क्योंकि उनका फैसला फिर बदल जाएगा 24 घंटे में। तो इस तरह का मतभेद बहुत, और हमारा गहरे मंथन जिसको कहने, सागर मंथन जैसी स्थिति चल रही है, लोकतांत्रिक जो हमारा सेटअप है, जो हमारी व्यवस्था है, उसमें न्याय विधायिका में, राजनीति में आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह की चर्निंग चल रही है, मंथन चल रहा है, उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में भी तमाम तरह के मंथन चल रहे हैं। और अब ये चीज है कि ये मामला और गंभीर होके न्याय के पीठ तक पहुंच चुका है, कि वहां भी कुछ अंदर कुछ चल रहा है, कुछ अंदर चीजें विवाद चल रहे हैं या मतभेद चल रहे हैं। तो मामला इतना सीधा सपाट नहीं है कि एक ने कहा, दूसरे ने सुन लिया, और तीसरे ने आरोप लगा दिया, और चौथे ने फिर कह दिया कि इसमें कुछ नहीं है। मामला गंभीर है,
और ये शांत नहीं होने वाला, मुझे नहीं लग रहा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने जनता के सामने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जुडिशरी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे आज जनता के सामने आए हैं ताकि आने वाले सालों में कोई ये ना कह सके कि उस वक्त आपने आवाज़ नहीं उठाई थी। खैर, ताज़ा अपडेट इस मामले में यही है कि जज BH लोया की मौत के मामले में सुप्रीम जो याचिका दायर की गई थी उनकी जाँच के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और सख्त टिप्पणी की है कि ऐसी जनहित याचिकाओं का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस मामले से जुड़ी सभी ताज़ा अपडेट के लिए आप लोकमत न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।